अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ रुशात रेसिपी से आप लोग के लिए बहुत ही यम्मी टेस्टी से रेसिपी लेके। हमें लेना है 1 किलो फिश, जिसको धुलकर रख लिए थे 1 घंटा पहले, जिससे इसका पानी एक्स्ट्रा निकल चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, आप लोग कोई भी फिश ले सकती हो। 1 चम्मच नमक डालकर अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के गेहूँ का आटा और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको 1/2 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, जिससे नमक अच्छे से भिन जाए और हल्दी भी अच्छे से सब फिश पर लग जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, चलिए देख लेते हैं। तेल गर्म कर लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। 1 कप तेल लेके हम लोग रख दिए थे गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे फिश, इसमें एक साथ हम लोग को सारी फिश को नहीं डाल देना है, बस थोड़ी थोड़ी कम से कम 5-6 पीस को डाल देना है और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक तरफ पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम लोग को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी 15 से 20 मिनट में एक बार तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।